करें। प्यारे दोस्तों, असी एक बहुत ही जानदार शानदार ते आइकॉनिक कल्ट फिगर आज अपने परिवार च शामिल करन जा रहे हैं। कोई ये नहीं है कि वो साढ़े परिवार च नवा है। उन्होंने मदर सरपंच ने कांग्रेस पार्टी दे और असी उन्होंने एक यूथ आइकॉन दे लहजे नाल देखते हैं। बड़ा इज्जत सम्मान मान है जिदा मान हुंदा है उहदे ते किंतु परंतु भी पक्की है। अज साडे लई बहुत ही वडभागा दिन है कि असी सिद्धू मूसेवाला साहब नूं अपने परिवार च शामिल करन जा रहे हैं। ही विल फाइट एन इलेक्शन फॉर अस बट दैट इज अ डिसीजन ऑफ अनदर डे। अज एक मीटिंग उन्हां दी हाईकमांड नाल भी करावांगे। वेन द म्यूजिक ऑफ अ जनरेशन चेंजेस जदों साडा जमाना सी असी किशोर कुमार संदे हुंदे सी ते एक दिन मैं अपने मुंडे दे ईयरफोन नाल गाना सुनिया वो आहू हुंदी सी वो पॉप रॉक ते ये जिहड़ी ट्रांजिशन है वो बहुत हद तक इस इंसान दे नाल लगदी है। नाम बनाना आसान है लेकिन उन्हों बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं देखिया कि इन दी लास्ट 3-4 ईयर्स ना सिर्फ बॉलीवुड पंजाब दा बच्चा बच्चा और ये नहीं कि कल्ले यंगस्टर ही ने वड्डे भी साडे बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच मेरा एक बहुत चंगा दोस्त है रणवीर वह वेट करता है कि सिद्धू मूसेवाले का गाना गाए ते पहले दिन ही वह उत्थे पार्टी करते हैं भी सिद्धू मूसेवाला साहब का गाना आ गया। सो ही इज सच अ पॉपुलर फिगर। ही इज नॉट जस्ट समवन नोन इन पंजाब, ही इज एन इंटरनेशनल फिगर जिन्हें पंजाबी का माण वधाया। हो सकता है कि कुछ लोगों 2% 4% किंतु परंतु की आदत होवे, ठीक है, बट द शोरेस्ट फॉर्म ऑफ फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरी वन। ही यू ट्राइज टू प्लीज एवरी वन प्लीज इज नन। वो अपने रूहानी अंदाज दे विच लिरिक्स लिखता है, गाँवदा है और एक ऐसे तरन्नुम च गाँवदा है, एक अपने नवेकले स्टाइल च गाँवदा है कि अज वो सारे पंजाब दा पार्टियां तो उत्ते उठ के यूथ दा हरमन प्यारा है। सो आई वेलकम सिद्धू मूसेवाला साहब टू द कांग्रेस फोल्ड। हिज फादर इज एन एक्स सर्विसमैन आ बैठे ने ते मैं अज सवेरे इन्हां नूं जदों मिलिया ते मैं इन्हां नूं कहा, मैं कहा भाजी बाप वो वड्डा हुंदा जिहदा पुत उहदे नाल वड्डा हो जाए, इत्थों ही पता लगदा है कि बाप बहुत वड्डा। सो फादर नालों भी लखां गुणा ज़्यादा नाम कमाण वाला ये पुत है। असी इहदा खैर मकदम करदे हां, असी इहदा वेलकम करदे हां और असी आस करदे हां कि जिन्ना नाम इन्हां ने संगीतकारी दे विच कमाया है उस तरह ये पॉलिटिक्स दे विच लोकां दी सच्ची सेवा कर सकन। वेलकम सर, और मैं हुण सीएम साहब नूं कहूंगा कि वह कुछ शब्द बोलण। अज पंजाब दी राजनीति दे विच एक बहुत ही वड्डा क्रांतिकारी दिन है कि एक आम सधारण परिवार चो उठिया
बहुत ही बड़ा कलाकार बनिया अपने बलबूते ते अपनी लियाकत दे नाल अपनी मेहनत दे नाल जिन्हें पंजाब दे नहीं बल्कि दुनिया दे विच बैठे पंजाबियों का ते दूसरे लोगों का भी दिल जीतिया जिदे एक गीत ते एक बोल ते नौजवान झूम उठते है। साडा जदों मैं पिंड च रहिंदा सी तां जदों गिद्धा बना किसी ब्याह दे विच या प्रोग्राम दे विच बीबियां एक गीत गाउंदियां सी नहीं बबीहा बोले ओ फिर इन्हां ने गीत जदों गाया तां दुनिया उहदे ते झूम गई बोले नहीं बबीहा बोले। तां हुण कांग्रेस पार्टी वालों पंजाब दे विच सिद्धू मूसेवाल दा बबीहा बोलेगा। बहुत ही सानू खुशी है कि एक नौजवान जिहड़ा लोकां दे दिलां नू जाणदा है लोकां दीआं भावनावां नू जाणदा है ते उहनां नू उजागर करदा है ते जिहदी बोल ते पंजाब दा नौजवान यूथ खड़ा हो जांदा है ते एक सेध लैंदा है ओह नौजवान अज कांग्रेस विच जॉइन हो रिहा है। बहुत ही सधारण परिवार है आम किसान दा नौजवान मुंडा है ते पिता फौजी रहा है ते फौज कहिंदे भी फौजी रब दा है दूजा ना लगे मेरे वीर वर्गा। फौज विच जिहड़ा बंदा जांदा है वो अपनी जान तली ते रख के जांदा है और ईमानदारी उहदे जहन विच हुंदी है कि मैं ईमानदार रह के देश की सेवा करनी। उस किसान दा मुंडा जिने दुनिया दे विच अपना नाम कमाया अज कांग्रेस दा माण वधाण आ रहा है ये मूसे वाले दा नहीं साडा सारिआं दा ते कांग्रेस पार्टी दा माण वध रहा है। मैं इस होनहार नौजवान नूं पार्टी दे विच जीआं कहिंदा है सरकार वल्लों जीआं कहिंदा है ते मैनूं पूरी आस है कि आउण वाले समें दे विच नौजवानां नूं नाल लै के एक क्रांति पंजाब च लै के आणगे एक नवां पंजाब सिरजणगे जिहदे नाल पंजाब जीतेगा ते पंजाब दे लोक जीतणगे। मैं सारिआं दा इस वल्लों स्वागत करदा होइआ खास तौर ते सिद्धू मूसे वालिआं जी दे परिवार दा ते इहनां दा बहुत बहुत स्वागत करदा इहनां दे माता पिता नूं ते सानूं सारिआं नूं नौजवानां नूं बहुत बहुत बधाई होवे। मैं हुण बेनती करांगा मूसे वाला जी नूं कि ओह वी चंद शब्द कहणगे। मेरी पहली कॉन्फ्रेंस है सो पहला फतेह प्रवान करियो श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज तो 3 साल पहला 4 साल पहला मैं म्यूजिक स्टार्ट किया ते तुहाडे सारिआं दे प्यार सदका आशीर्वाद सदका अज मैनूं इह मुकाम मिलिआ कि सारी दुनिया के उत्ते अपने पंजाबियों का नाम रोशन होया पंजाबी म्यूजिक का जिन्हों की एक रीजनल लैंगुएज दस्या जाता सी। ते अज 4 साल बाद मैं अपनी जिंदगी दे विच एक नवां स्टैप लैण जा रहा ते एक नवां किता एक नवीं दुनिया जिहदे विच मैं यानी कि मेरी शुरुआत है। ते मैं सिर्फ मेरा कोई ज़्यादा लम्मा चौड़ा इस कदे मेरा इधर रुझान भी नहीं सीगा क्योंकि मैं म्यूजिक जिन्ने बंदे म्यूजिक करन वाले हुंदे उन्हां दी यानी कि दुनिया कुछ होर हुंदी है पर मेरा शुरू तो लगाव पिंड नाल रहा सी आम परिवारां च उठे हुए लोग ठीक है जी। मेरे फादर साहब ने एक्स आर्मी मैन ने ते माता मेरे यानी कि हाले भी अभी चाहे परमात्मा ने बहुत तरक्की दिती असी उसे पिंड च उसे घर च रह रहे हैं ते जो असी लोगों के विचरते हैं जदों किसी आम घराने के आम पिंडां दे विचों किसी बच्चे का नाम हुंदा है तां आसे पासे दे जिहड़े लोग हुंदे आ उहदे तों एक्सपैक्टेशनस करन लग जांदे आ भी जे साडा जवाक का नाम होया तां यार इह किते ना किते साडी हैल्प करे जां साडे नाल होवे ते मेरे नाल घट्टो घट्ट मैं कहना भी साडा मानसा एरिया मानसा बठिंडा यानी कि मेरे नाल एक तरीके नाल अटैचड है जिस तरीके नाल वो यानी कि उन्हां दा प्यार ते उन्हां दीआं दुआवां ते उन्हां दीआं आसां ने ते जदों किते भी असीं पिंडों बाहर जाने हैं जां ओह किते जांदे ने तां जदों कहिंदे ने भाई असीं मानसा तों आ जां बठिंडे तों आ तां ओह प्राउड महसूस करदे ने ते किते ना किते जदों किते उस इलाके दे विच रहिंदे आ ठीक है ना जदों उत्थे विचरदे आ लोकां नाल तां बहुत चीज़ां ने जिहड़ियां हजे तक लोकां नूं पता ही नहीं वी उह किस चीज़ां नाल उह जूझ रहे ने जां उन्हां दी रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच की प्रॉब्लमां ने। होर पंजाब बहुत तरक्की कर गया सारी दुनिया के नाम है पंजाब का पर साढ़े मैं कहना मानसा का इस इसी त्रासदी है भी वह कदे अगे नहीं आ सकिया।
मेरा कोई पॉलिटिक्स दे विच आउण दा कोई लम्मा चौड़ा रुझान ही नहीं हैगा भी मैं कोई रुतबे खातर जा कोई वाहवाही खातर इस फील्ड दे विच आ रहा। मेरा सिर्फ एक ही है कि मेरे नाल कुछ लोग जुड़े ने, मेरे नाल एक खिता जुड़िया होया ते वह खिता मेरे तो आस रखदा ते सिस्टम दे विच सिस्टम नूं चेंज करन दे लई जां सिस्टम दे विच उन्हूं इंप्रूव करन दे लई सिस्टम दा हिस्सा बनना बहुत जरूरी है ते मेरे लिए सब तो वड्डी जिहड़ी ओह यानी कि वह जरूरत सी वह मैं इस पार्टी थ्रू यानी कि अपने लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा। तो रीज़न इस पार्टी का कि मैं कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की वह एक बहुत बड़ा तो एक खास रीज़न है। पहली गल जी पंजाब कांग्रेस है जो कांग्रेस है ये ओहो जे लोग ने जोड़े आम घर उठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल राजा भाई अज तो 10 साल पहला या 15 साल पहला इन्हों का बैकग्राउंड चैक करो तुम कि कितों आए हैं तो किमें स्ट्रगल करके। मेन रीज़न ये है भी ये आम लोगों की यानी कि कोई भी बंदा जो मेहनतकश आदमी है जो मेहनत करता वो आवाज़ वह बुलंद कर सकता है तो वह प्रोग्रेस कर सकता। खित्तियां तो घराणियां तो उपर उठ के असी ये चाहते हैं कि असी अपने लोगों की आवाज़ में बुलंद कर सकी। सो मेरा यही रीज़न से इस चीज़ में आने का। तो बाकी मैं पंजाब के लोगों को तो दुनिया जिनी भी मैं प्यार कर दी उम्मीद करदा जिमें कि मैं म्यूजिक के आशीर्वाद से प्यार दिता है तो मैं आशीर्वाद दोगे कि मैं आम लोगों का सहारा बन सकता। सत श्रीकाल जी। सब जूडिस मामला यार ओहदे बारे क्यों गल करदे आपां इधर आओ जी फादर साहब बुलाओ एक मिनट एक मिनट फादर साहब जी नाल आओ जी इधर आओ। महाराज थोड़ा मान ज्यादा है कमाल करते हो बाप दे वास्ते किड्डे फखर की गल है हुण करो यार सीएम साहब आओ एक मिनट जी मैं जवाब देना थोनू। कांग्रेस परिवार में एक होनहार नौजवान जिसने अपनी कांग्रेस परिवार में एक होनहार नौजवान जिसने अपनी आवाज पंजाब में ही नहीं देश में ही दुनिया के अंदर बड़ी बुलंदी से उठाई। जहां जब आवश्यकता रही जिस मुद्दे पर उस मुद्दे पर बड़ी बुलंदी से इन्होंने अपनी आवाज उठाई। पिछले दिनों के अंदर जब पूरा देश का किसान कृषि बिल के ये संघर्ष कर रहा था उसमें सबसे बुलंद आवाज किसी ने उठाई उसमें से एक सिद्धू मूसेवाले जी थे। बिल्कुल सामान्य से परिवार से आकर और एक दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करने वाले का नाम सिद्धू मूसेवाला। आज पंजाब में एक परिवर्तन के अंदर हर नौजवान हर इंसान जो सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ है उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं उसको नेतृत्व का अवसर देना ये राहुल गांधी सोनिया गांधी और कांग्रेस की सोच है। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उसकी सोच को मजबूत करने के लिए हमारे परिवार में सिद्धू मूसेवाला जी आई हैं। मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और बड़ी मजबूती से
आने वाले समय के अंदर इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं दे देना जवाब मेरा भाई जी। मेरी एक गल समझो कि केस पैन का मतलब यह नहीं हुंदा कि कोई बंदा गिल्टी हो गया। मेरे ते केस पे जी फिर लोगों ने